अब 2021 खत्म होने को कुछ ही दिन बाकी है, और अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नए साल में हम लोग कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हो सकता है कि जब 2021 शुरू हुआ था तब कुछ क्रिएटर्स ने YouTube चैनल बनाए होंगे, कुछ लोगों के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ भी होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। अब YouTube का क्राइटेरिया क्या है मोनेटाइजेशन का, कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए 365 दिनों में। ठीक है, तो 365 दिन मतलब एक साल हो गया। अब अगर आपने 2021 की पहली तारीख को आपने YouTube चैनल बनाया, अब 2021 खत्म होने को कुछ ही दिन बाकी है, और अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो क्या हमारा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं होगा? ये सवाल बहुत सारे क्रिएटर्स के दिमाग में आता है, जो नए क्रिएटर्स है उनके दिमाग में आता है ये सवाल कि 365 दिन हो गए, एक साल हो गया, मैंने क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया पर मेरा चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा, या फिर क्या होगा, मेरा चैनल खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी अगर आपने अच्छे से देखी है, अगर आपने अच्छे से समझी है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। इसमें YouTube ने क्लियरली लिखा है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम इन लास्ट 365 डेज या फिर लास्ट 12 मंथ्स, मतलब जब कभी भी, मतलब अगर आपने चैनल स्टार्ट किया, एक साल में आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, दो साल में आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरे साल में अगर आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट होता है तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसके पहले के 365 दिन, मतलब उसके पहले के 12 महीने YouTube काउंट करेगा, और उस 12 महीने में आपके कितने सब्सक्राइबर हुए हैं और कितना वॉच टाइम हुआ है वो YouTube काउंट करेगा, और उस हिसाब से अगर आपने उस 365 दिनों में किया है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दोस्तों, YouTube चैनल बनाने के बाद कभी भी एक साल में, दो साल में, तीन साल में अगर आपके क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। कुछ क्रिएटर्स जल्दी कर लेते हैं, कुछ कुछ क्रिएटर्स को टाइम लगता है। तो आप इस बात का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि अगर आपके 365 दिन या फिर 12 महीने या फिर एक साल में आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, चैनल बंद हो जाएगा, चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा? तो दोस्तों, ये सवाल दिमाग में मत लाइए। आज की वीडियो में इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं, उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि YouTube का क्राइटेरिया है 12 महीने में, मतलब एक साल में आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, और अगर नहीं हो तो फिर क्या होगा। ये सवाल बहुत सारे नए क्रिएटर्स के दिमाग में आता है। दोस्तों, इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, जब आप एलिजिबल हो जाओगे तो उसके पहले की 365 दिन, मतलब उसके पीछे 365 दिन या फिर 12 महीने भी काउंट करेगा और उसको पकड़ के जो आपका चैनल मोनेटाइज करवा देगा। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।